दिवाली दिवाली नॉलेज वाली, ये दिवाली दिवाली नॉलेज वाली। साइट ऑर्डर बुक, साइट ऑर्डर बुक एक क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का कम्युनिकेशन सीट समझ सकते हो आप इसे, कि जो आपको टेंडर में मिला है वो काम तो करना ही है, लेकिन कहीं क्लाइंट आया और बोला कि जो टेंडर में दिया गया है 200 mm का वॉल, इस वॉल के ऊपर मुझे टाइल लगाने हैं, जो कि टेंडर पे नहीं है, तो आप टाइल लगा दिए उसे बिना कुछ रिटर्न लिखवाए, और जब बिल का बात आया तो हो सकता है वो मुकर जाए, मैंने तो बोला ही नहीं था। तब क्या करेंगे? उस डिस्प्यूट से बचने के लिए हम साइट ऑर्डर बुक मेंटेन करते हैं। जो भी क्लाइंट नया इंस्ट्रक्शन देगा जो कि टेंडर पे नहीं है, उसको हम साइट ऑर्डर बुक में लिखाएंगे। तो साइट ऑर्डर बुक का पहले कंपनी का नाम, फिर उस बुक का हेडिंग कि कौन सा बुक है, साइट ऑर्डर बुक पे प्रोजेक्ट का नाम, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, फिर जो फॉर्मेट पे सीरियल नंबर, डेट, कब कहा जा रहा है, क्लाइंट इंस्ट्रक्शन बाय क्लाइंट, वो क्लाइंट ने कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे कि उसने कहा कि फ्रंट वाले वॉल में एक्सटीरियर साइड पे टाइल लगनी चाहिए, तो यहां पे लिखेगा कौन सा बिल्डिंग पे, कौन से वॉल पे कौन सा टाइल लगाना है, और यहां पे कंप्लायंस बाय कॉन्ट्रैक्टर, क्या कॉन्ट्रैक्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। यदि हमको प्रॉफिट होगा उस काम पे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट करेंगे कि इसका रेट हमें नहीं जम पा रहा है, टेंडर पे नहीं था, तो हम ये काम को नहीं करेंगे, वो यहां पे लिख सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम बार हम ट्राई करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम काम करेंगे, जितने ज्यादा रुपए का बिल बनेगा उतने ज्यादा का प्रॉफिट होगा, कम से कम 10 से 15 प्रॉफिट तो कॉन्ट्रैक्टर का होता ही है ना। अच्छा काम करेगा, गंदा काम करेगा, किसी भी तरीके से करे तो 10 से 15 प्रॉफिट हम मार्जिन लेके ही चलते हैं। तो जो भी उसने काम दिया उसको हमने अपना डिटेल लिखा कि हाँ हम कर देंगे इस डेट तक, या किसी कुछ नोटिफिकेशन देना है कि अभी नहीं हो सकता अगले महीने होगा, तो हम वो यहां पे डिटेल लिखेंगे, और फिर सिग्नेचर ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट सिग्नेचर करेगा कि किस क्लाइंट ने। हो सकता है कि भैया एक मालिक के चार बेटे हो, अब वो चार बेटे में से एक को चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए, तो जिसको चाहिए वो बेटा यहां साइन करेगा, नहीं तो बाद में पता चला उसका दूसरा बेटा है और बोला मेरे को चाहिए ही नहीं, निकाल दो इसको, तो हमारे लगाने में भी पैसा गया और निकालने में भी पैसा गया, तो उसका भरपाई कौन करेगा? वो करेगा क्लाइंट। जिसने लगाने के लिए कहा है वो लगाने का पैसा देगा, और जो निकालने के लिए बोला है वो निकालने का पैसा देगा, क्योंकि निकालने का पैसा किसी, कोई निकालने के लिए बोलेगा तो फिर से लिखेगा वो यहां पे कि किस डेट में लिख रहा है टाइल निकालना है, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ठीक है भाई मैं निकाल देता हूं, यहां पे क्लाइंट साइन करेगा कि मैंने बोला है, ये दूसरे बेटे ने बोला है निकालने के लिए, और जब क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर वो स्टाइल को जब निकाल चुका होगा तो यहां पे वो साइन कर देगा कि मेरे द्वारा काम कंप्लीट हो चुका, और यदि कोई रिमार्क होता है तो कि अगली बार ये इस तरीके से काम मत देना भी, कि लगाना है और निकालना है, यदि कुछ रिमार्क लिखना हो, हर फॉर्मेट में रिमार्क तो कंपलसरी है, कुछ नहीं तो लास्ट में रिमार्क तो रहेगा ही। ये फॉर्मेट इतने इंपॉर्टेंट है, यदि आपने अपनी कंपनी पे ये सब फॉर्मेट्स नहीं है तो उसको स्टेबल करके आप अपना ग्रोथ करवा सकते हो, क्योंकि सिस्टम बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंपनी के अंदर। ये तो बात की हमने सिर्फ एक टॉपिक की, 10 मिनट में एक टॉपिक कवर हो रहा है, उसी तरीके से आपको पूरे 2 दिनों तक 4 घंटों में पहला पार्ट चेकलिस्ट, दूसरा पार्ट कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, चेकलिस्ट में सारे टॉपिक्स एंडिटरमाइन ट्रीटमेंट से लेके डोर फिक्सिंग तक, मतलब एक्सकवेशन के लैंड के ट्रीटमेंट से लेके फिनिशिंग आइटम तक हर एक पार्ट का चेकलिस्ट, और उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के हर एक पार्ट का एक्सेल फॉर्मेट कि उसको किस तरीके से अपडेट किया जाता है, कैसे उसको फिलअप किया जाता है, क्या क्या उसके पार्ट्स है, और सिर्फ यही नहीं साथ ही साथ एस्टिमेशन इन 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में आप एस्टिमेशन कैसे बना लोगे, साइट क्लीनिंग से लेके पूरा का पूरा फिनिशिंग आइटम तक, डोर विंडो लगाते हैं तक का डिटेल आपको सिर्फ एक क्लिक में कैसे मिल सकता है, और इसी के साथ साथ बिलिंग का कंप्लीट डेटा डे 2 में जो सेकंड पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिलिंग से लेके पूरा का पूरा साइट वाइज मंथली स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर, हर एक पार्ट में बिलिंग, इनवर्ट रजिस्टर, पूरा रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से होता है, कौन कौन से बिलिंग होते हैं, उसके एग्रीमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, साथ ही साथ वर्कशॉप के खत्म होने के बाद एक क्विज कंडक्ट किया जाएगा, और उस क्विज में आप परफॉर्म करने के बाद आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा सिविल गुरुजी के साइड से आपके एप्लीकेशन पे ही, और साथ ही साथ मिलेगा फ्री कोर्स वर्थ ₹1600, कोर्स कंप्लीट होने के बाद, वर्कशॉप कंप्लीट होने के बाद आपको एक ₹1600 का जॉब डिटेक्टिव कोर्स आपको फ्री ऑफ गिफ्ट दिया जाएगा, साथ ही साथ बेस्ट कंटेंट फ्रॉम प्रोफेशनल्स, जो ये आपका पूरा वर्कशॉप है इसमें बेस्ट कंटेंट है, जो आपके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाने का मेन कोर्सेज है, साथ ही साथ क्विज प्राइस वर्थ ₹1.2 lakh कि हर क्विज में के विनर को, टॉप 20 विनर्स को इनाम दिया जाएगा ₹1,20,000 तक का, और साथ ही चांस टू अनलॉक प्रीमियम कंटेंट, कुछ लोगों को ये चांस भी दिया जाएगा कि वो प्रीमियम कंटेंट फ्री में अवेल कर सकें, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल कि 3 बार
छह बैचेस में 3 तारीख और 4 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग, 7 तारीख और 8 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग, 11 तारीख और 12 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग के बैचेस चल रहे हैं, जिसके फर्स्ट 5 रैंकर को हर क्विज में, हर बैचेस के फर्स्ट 5 रैंकर को 2000, 6th से 10th रैंकर को 1000 और 11th से 20th रैंकर को 500, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 99। ये बात करेंगे उसकी जो समझ में आए सबकी, जो सबको ये सिखाए कैसे करें तरक्की। ये दिवाली दिवाली नॉलेज वाली, ये दिवाली दिवाली नॉलेज वाली, ये दिवाली नॉलेज वाली। इस दिवाली पे घर की सफाई के साथ साथ अपने ब्रेन को भी वॉश करो और कंप्लीटली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स गुरुजी के खजाने और कॉप्स कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के कोर्स के जो प्रीमियम कंटेंट है वो आप लोगों के लिए वर्कशॉप में लाया जा रहा है सिविल गुरुजी के द्वारा, क्योंकि ये दिवाली बनानी है हमारे, हमें नॉलेज वाली। थैंक यू सो मच। उसी जोश उसी जुनून के साथ करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद जय भारत। ये दिवाली दिवाली नॉलेज वाली, ये दिवाली दिवाली नॉलेज वाली।